साथ खड़े क्यों आप मदद नहीं करते? इस समय बड़ी खबर आ रही है, जयराम रमेश ने बड़ा बयान दिया है इलेक्शन कमीशन के ऊपर। सीधा सीधा बयान जयराम रमेश का चुनाव आयोग पर। जयराम रमेश ने कहा कि जानबूझकर धीमे धीमे आंकड़े बताए जा रहे हैं कांग्रेस की तरफ से। अब ये इसको क्या कहा जाए, एक तरीके से अतुल जी फिर से रोना शुरू हो गया। आंकड़े आ तो रहे हैं, अब आपके फेवर में नहीं जा रहे तो चुनाव आयोग धीमे बता रहा है। सुन लेते हैं जयराम रमेश ने क्या कुछ कहा। शोभना जी बदल गया है, सब बदल रहा है, आंकड़े धीरे धीरे बताए जा रहे। तो ये जयराम रमेश ने कहा है। मेरे साथ मुमताज जी मौजूद है, वो सुधांशु त्रिवेदी से कुछ सवाल लेना चाहते हैं। मुमताज जी, मैं पहला सवाल, चूंकि हिजबुल्ला का जिक्र आया तो मैं जानना चाहता हूँ सुधांशु त्रिवेदी जी जो है वो अमरीकी पार्लियामेंट के मेंबर पार्लियामेंट है या भारतीय पार्लियामेंट के मेंबर पार्लियामेंट है, क्योंकि भारत सरकार ने तो अभी हिजबुल्ला को आतंकवादी संगठन कहा नहीं, नंबर एक। नंबर दो, कश्मीर के बारे में आपने कहा कि वहाँ लाल चौक पे अब तिरंगा फहराया जाता है, मैं मानता हूँ, कांग्रेस का जिक्र किया, लेकिन क्या वजह है कि जब हमारे गृह मंत्री वजीर दाखिला अमित शाह ने पार्लियामेंट में कहा था कि जब कश्मीर में अमन आ जाएगा तो हम वहाँ पे कश्मीर को मुकम्मल रियासत का दर्जा दे देंगे, उसको बहाल कर देंगे, क्या वजह है कि लोकसभा में सब कुछ ठीक होने के बावजूद आपने फिर ये जो रियासती इलेक्शन हुआ है, असेंबली इलेक्शन हुआ है, इसको यूटी ही रखा, क्यों इसका दर्जा बहाल नहीं किया, क्या वजह है? मुझे लगता है कि आपके जो भी प्रतिनिधि हैं वो थोड़ी बचकानी बात कर रहे हैं। किसी भी संगठन को आतंकवादी तब घोषित किया जाता है जब वो आपके देश में हो। अब आप कहेंगे आयरिश रिपब्लिकन आर्मी को क्यों नहीं किया, आयरिश रिपब्लिकन आर्मी यहाँ थोड़ी काम करती मेरे भाई। हिजबुल्ला अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर घोषित आतंकवादी संगठन है, तो हर राज्य को उसको करते मतलब क्या मजाक की बात है, ऐसा बचकानी बात करने लगते हैं। अरे भाई भारत में गतिविधि होगी तो भारत भी घोषित होगा जब भारत, मगर मजे की बात ये है इनकी बात का भाव। मुमताज जी मुझे लगता है हरियाणा के चुनाव पर रहना चाहिए। अकुल श्रीवास्तव, अकुल श्रीवास्तव क्या सवाल है? इंडिया डिक्लेरेशन शुरू कर देते हैं, इंडिया इज नॉट पर डिक्लेरेशन क्या था? उसके बगैर सारे दर्शक उस भाव को देखें, उस सुधांशु जी इंडिया उसके खिलाफ है, इंडिया वो डिक्लेरेशन के साथ नहीं है। सुधांशु जी आप झूठ बोल रहे हैं, इसलिए मैं आपको डिस्टर्ब कर रहा हूं। भाव ये है, मैं आपको करेक्ट करता हूं, जो यूएन में रखा गया है उसमें इंडिया पार्टी क्यों नहीं है? मुझे लगता है हरियाणा और जम्मू कश्मीर चुनाव पे रहना चाहिए। मैं सुनिए, 370 हटाया, विकास की बयान की बात की, सब कुछ किया, लेकिन जम्मू कश्मीर में मुकम्मल रियासत वाला दिखाई दे रहे हैं रुझानों में, जैसे कि आप दावे कर रहे थे। देखिए पहले आपके दोनों साथी लोग अतुल पाटिल जी जब बैठे हो तो कहते हैं ये नहीं होना चाहिए, और ये देखिए दोनों एक प्रकार से बोलने लगे कि हिजबुल्ला आतंकवादी संगठन नहीं है, मतलब टेक्निकली ये प्रूफ करने में लग गए, दिल की आरज़ू ज़ुबान पे आ गई मेरे भाई, यही तो हम कहना चाहते थे। वो कह रहे हैं कि टेक्निकली भारत ने नहीं किया, दूसरे कह रहे हैं टेक्निकली सपोर्ट नहीं किया, मतलब आपके अरमान भर के सामने आ गए, कश्मीर से लेके हिजबुल्ला पे पहुंच गए, फिर डिस्टर्ब करने लगे।